हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ब्यूटी चैनल। सो इन टुडेस वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेयर केयर ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं घने बाल हो आपके, सिल्की सॉफ्ट हो और आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आज की ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट विद द ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखा रही हूँ मैं। बिफ़ोर मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हैं, वेवी हैं एंड बहुत ज़्यादा डिटेंगल्ड होते हैं। मैं अपने मतलब उंगलियों से भी मैं अपने बालों को ना ऐसे लाइक कूम नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। तो ये कंडीशन है मेरे बालों की, बहुत ही ख़राब कंडीशन है मेरे बालों की। और क्योंकि मैंने कलर करवा रखा है बालों में, तो इसलिए मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का आमला एंड भृंगराज स्ट्रेंथनिंग हेयर ऑयल। हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है और आपके डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए। गाइस, गुड वाइब्स के सारे ही प्रोडक्ट नो पैराबिन, नो सल्फेट एंड नो मिनरल ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं गुड वाइब्स वन ब्रांड हेयर केयर ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इस ऑयल को मैं अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करूँगी। आप इसको ओवरनाइट अप्लाई करके सो सकते हैं एंड सुबह आप वॉश कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं अभी आपको शो करने के लिए इसलिए मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ और मैं क्विकली वॉश करके आपको दिखाऊंगी। बट क्विकली वॉश करने के बाद भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। सोचिए, अगर आप इसको रात भर रखेंगे तो सुबह कितने अच्छे हो जाएंगे आपके बाल। अगर आपके बालों में स्कैल्प इन्फेक्शंस हैं तो उसको भी ये ट्रीट करेगा, डैंड्रफ को ट्रीट करेगा और ग्रे नहीं होंगे आपके बाल, हेयर ब्रेकेज को भी ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत माइल्ड है एंड आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए आप इसको लगा के रख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे कम से कम 20 मिनट्स तक रखूंगी लगा के, मतलब आधा घंटा ही लगा के रख दिया है मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी शैम्पू के लिए, ये है गुड वाइब्स का अनियन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। इसमें केराटिन है जो कि शाइन के लिए है, कॉर्न है इसमें जो कि आपके बालों को हेल्दी रखेगा, सोय है फॉर मॉइस्चर, वीट है जो कि आपके बालों को प्रोटीन देगा, आपके बालों की स्ट्रेंथ को ये बढ़ाएगा। जैसे वॉश करके आ गई हूँ, यहाँ पे अब मैं कंडीशनर एंड यूज करूंगी हेयर मास्क। नाउ इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वेल, मैं चूज़ करूँगी आमला एंड शिका का हेयर मास्क जो कि स्ट्रेंथनिंग के लिए है, क्योंकि मेरे बालों में कलर हो रखे और बहुत ही ज़्यादा यू नो रफ हेयर है, डल हेयर है, तो इसीलिए आई पिक्ड हेयर मास्क। बट अगर आपके बाल इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हैं, ठीक ठीक हैं, लाइक यू कैन मेंटेन योर हेयर, तो आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं विच इज़ दी गुड वाइब्स का आमला एंड शिका का स्ट्रेंथनिंग कंडीशनर। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही एक ही वर्क करता है। बट जी हाँ, हेयर मास्क जो होगा दोस्तों, ये अगर आपके बाल सुपर डल हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेंगल्ड होते हैं, तो हेयर मास्क ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देता है। दिस इज गोइंग टू बी योर पावर हाउस ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड विटामिंस दोस्तों, तो इसीलिए मैं हेयर मास्क आपको रेकमेंड करूँगी, क्योंकि ये आपके हेयर के फॉलिकल्स को प्रमोट करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड आपके यू नो स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन होगा उसको ये इम्प्रूव करेगा, सॉफ्ट स्मूद एंड बाउंसी बनाएगा बालों को। मेरे बहुत ही घने बाल हैं, घने तो कहाँ हैं दोस्तों, बहुत कम हो गए इस बार मुझे, जब से ये विटामिन डी डेफिशिएंसी वगैरह हो गया था उसके बाद इतने ज़्यादा बाल झड़े मेरे कि वापस लेकर आई हूँ मैं अपने बालों को। मतलब थोड़े से मैंने घने किए अंडे वंडे खा के जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिले मुझे। तो या आपको अपने डाइट पे भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हेल्दी रहे, नॉट जस्ट ओनली दीज प्रोडक्ट्स बट या डाइट पे भी आपको।